नमस्कार, मैं आप सभी के साथ राजीव झा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का प्रमुखतम 24/7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। अब बढ़ते हैं हेडलाइंस की तरफ। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से एक परित्यक्त कमरे में काफी संख्या में ताजा बम बरामद, इलाके में फैली सनसनी। COVID-19 यानी कोरोना वायरस को लेकर देश के साथ पहाड़ी क्षेत्र में सतर्कता जारी। मल्ली गोलीकांड के प्रमुख आरोपी कुणाल प्रधान को कालिम्पोंग नगरपालिका पार्षद के रूप में नहीं मिली मान्यता। जलपाईगुड़ी में कलकत्ता हाईकोर्ट के सर्किट बेंच का एक साल हुआ पूरा। और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई आज से शुरू उच्च माध्यमिक परीक्षा। अब हम बढ़ते हैं प्रमुख खबर की तरफ विस्तार से। मल्ली गोलीकांड के प्रमुख आरोपी कुणाल प्रधान को कालिम्पोंग नगरपालिका पार्षद के रूप में मान्यता नहीं दिए जाने का फैसला लिया गया है। गौरतलब है कि मंगलवार को मल्ली पश्चिम बंगाल क्षेत्र में स्थित गोलीबारी घटना सामने आई है एवं मुख्य आरोपी तथा कालिम्पोंग नगरपालिका एक नंबर वार्ड के पार्षद कुणाल प्रधान को तत्काल गोरखा जनमुक्ति मोर्चा केंद्रीय समिति विनय तमांग खेमे से आजीवन निष्कासित किए जाने के बाद केंद्रीय अध्यक्ष विनय तमांग के निर्देश पर कालिम्पोंग नगरपालिका के द्वारा पार्षद कुणाल प्रधान को मान्यता नहीं दिए जाने एवं काम कार्यवाही की संज्ञान नहीं लेने का निर्णय लिया गया है। कालिम्पोंग के नगरपालिका के चेयरमैन रवि प्रधान ने बृहस्पतिवार को अध्यक्ष विनय तमांग के अध्यक्षता में अपने संपूर्ण पार्षद पार्षदिका के एक बैठक कर उक्त निर्णय लिए जाने की जानकारी दी है। विशेष गरी त अब जति पनि अब जो पनि यहाँनिर अब काउन्सिलर्सहरू पार्षदहरू हुनुहुन्छ जो पनि एब्सेन्ट हुन्छ होइन र कुनै कसै अब निजी कामले गर्दाखेरि नि उहाँहरू बाहिर गएको हुन्छ कोही बेला होइन कोही बिमारी भएको हुन्छ जस्तै कतिजना कामले फाल्टै कामले गर्दाखेरि बाहिर अफिसमा आउने उनीहरूकोमा एउटा समय हुँदैन र त्यसले गर्दाखेरि त्यो बिचमा हामी सम्पूर्ण काउन्सिलर्सले मिलेर अब नियरेस्ट काउन्सिलर को हुनुहुन्छ उहाँको निम्ति हामीले यहाँ साइन गर्ने कामहरू होइन रेसिडेन्सियल डेट अफ बर्थहरू होइन अब तपाईँको जति पनि अफिसियल्स म्याटर्सहरू हुन्छ त्यसलाई चाहिँ अब हाम्रो काउन्सिलर्सहरूले सहायता पुऱ्याइ नै राखेको छ र अहिले यो पनि होइन कि अब उहाँ एरेस्ट पनि भएको छैन र उहाँ दोषी ठहर पनि भइहालेको छैन किनभने यो एउटा जजमेन्ट अब न्यायाधीशले कस्तो प्रकारले दिन्छ होइन त्यसको बादको कुरा हो तैपनि अब जति बेलासम्म यो कुना साम्य हुँदैन तबसम्म हामीले कुणाल प्रधानज्यूको जुन चाहिँ हाम्रो पार्षद हुनुहुन्छ एक नम्बर वार्डको त्यस क्षेत्रको जति पनि वार्डवासीको कुनै पनि गुनासो कुनै पनि काम छ कुनै पनि कुरामा उहाँलाई अप्ठ्यारो परेको छ भने सोझै हामी काममा आयौँ भनेदेखि हामीले उहाँको काम एज युजल हामीले उहाँको काममा हामीले हेल्प गरेको हुन्छ। सिक्किमका राज्यपाल गंगा प्रसादले आज महाराष्ट्रकै साङ्गली जिल्लाकै निवासी एवं रिबर्थ फाउन्डेसन पुणे महाराष्ट्रकै अंगदान कार्यकर्ता प्रमोद लक्ष्मण महाजनको राजभवनमा किया सम्मानित। पेशे से किसान रहे 68 वर्षीय प्रमोद लक्ष्मण महाजन ने भारत ऑर्गन यात्रा नाम से मोटरसाइकिल यात्रा तय करते हुए उन्होंने देश के 25 राज्यों का भ्रमण कर 17,500 किलोमीटर की दूरी तय कर 332 दिन के उक्त भ्रमण के क्रम में उन्होंने अंगदान के विषय पर लोगों को जागरूक कराने का सराहनीय कार्य किया है। इस बीच उनके इस सराहनीय कार्य को देखते हुए सिक्किम के एक प्रतिष्ठित एवं सबसे पुराने मोटरसाइकिल एनजीओ डर्टी एंजल मोटरसाइकिल क्लब की सहयोग में अपना कार्य कर रहे हैं। आज इस बीच सिक्किम पहुंचे प्रमोद लक्ष्मण महाजन को राज्यपाल गंगा प्रसाद ने मुलाकात कर उन्हें सम्मानित किया एवं राज्यपाल ने लोगों से अंगदान हेतु आगे आने का आह्वान भी किया। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग गेजिंग बर्मेक निर्वाचन क्षेत्र के विधायक तथा सिक्किम सरकार के मंत्री लोकनाथ नेपाल पर्यटन विभाग के मंत्री बीएस पंत सिंचाई विभाग के मंत्री भिंहांग सुब्बा मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव जेकब खालिंग जानकारी विभाग के अभियंता द्वारा संगसांग दोभांग होते हुए बर्मेक गेजिंग को जोड़ने वाली नवनिर्मित 2 किलोमीटर सड़क का भ्रमण कर किया निरीक्षण। नवनिर्मित उक्त सड़क मार्ग वर्तमान सरकार के सत्ता में आने के पश्चात निर्माण कार्य शुरू किया गया था। राज्य के वर्तमान सरकार के सत्ता में आने के बाद ही इस कार्य को शुरू किया गया था जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री एवं विभागीय अधिकारियों ने उक्त सड़क मार्ग का निरीक्षण किया। पहाड़ पर भी छाने लगा है COVID-19 अर्थात कोरोना वायरस का आतंक। कालिम्पोंग 8 माइल निवासी एक महिला को गुरुवार को बुधवार को किया गया था चिन्हित। कालिम्पोंग जिला अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है लेकिन अब महिला मरीज को अस्पताल में निर्मित आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया है। उक्त महिला कालिम्पोंग 9 माइल स्थित हुलुम्बो रिट्रीट में काम करती है जहाँ देशी विदेशी पर्यटकों की नियमित रूप में आवाजाही होती रहती है। इसी के मद्देनजर अस्पताल प्रशासन के द्वारा
महिला मरीज को अस्पताल में निर्मित आइसोलेशन वार्ड में भर्ना कर उपचार किया जा रहा है। गौरतलब है कि अस्पताल में ओपीडी के ठीक विपरीत बनाए गए आइसोलेशन वार्ड को लेकर शंका उपशंका उत्पन्न होने लगे, क्योंकि ओपीडी में जहां दैनिक रूप में 100 से अधिक मरीजों की आवाजाही होती है एवं इस बीच कोरोना वायरस को लेकर आइसोलेशन वार्ड निर्माण किए जाने को लेकर कालिंपोंग वासियों में शंका का माहौल बना हुआ है। दूसरी तरफ कालिंपोंग जिला अस्पताल के कार्यवाहक अधीक्षक पी विश्वास ने मीडिया को बताया कि आज जिस महिला को अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ना किया गया है वह महिला को केवल आशंका के आधार पर वार्ड में रखा गया है। यद्यपि अपराह्न 3:30 के भीतर उनके बुखार तथा अन्य जांच किए जाने के बाद स्थिति चिंताजनक नहीं रहने की जानकारी अधीक्षक पी विश्वास ने दी। उन्होंने बताया कि कालिंपोंग जिला अस्पताल में कोरोना वायरस डायग्नोसिस करने वाले उपकरण नहीं रहने की बात को भी उन्होंने स्वीकारते हुए डॉक्टर पी विश्वास ने बताया कि अगर कोरोना वायरस का पता चल पाता है तो मरीज महिला को उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में रेफर किया जाएगा। दूसरी तरफ कालिंपोंग की सामाजिक कार्यकर्ता ज्योति कार्की ने अस्पताल में कोरोना वायरस के प्रकोप को लेकर किए गए तैयारियों के ऊपर प्रश्न खड़ा किया है। कार्की ने आरोप लगाया कि अस्पताल में साधारण मास्क भी नहीं है और ज्योति कार्की ने बताया कि तत्काल जीटीए तथा संबंधित निकाय इस विषय पर पहल करे। यस, आज हमारे इमरजेंसी में आलिया देवी 40 वर्ष का एक जना लेडी 8 माइल बड़ा आएर भर्ती हुनु भएछ ज्वरो र डायरिया लिएर भनेर, तर उसको चाहिँ अहिले कुनै टेम्परेचर छैन, सिम्स टू बी कमन भाइरल फिभर, इट्स टू अर्ली टू कमेन्ट एनिथिङ अबाउट कोरोना भाइरस, त्यति प्यानिक हुने पनि दरकार छैन। हामीहरू उसलाई रिससिटेट गरेको छु, ट्रिटमेन्ट पाइरहेको छ, आइसोलेसन वार्डमा पेसेन्ट अहिले सामान्य छ, हाम्रो इमर्जेन्सी डक्टर ट्रिटमेन्ट दिएको छ, म अहिले भर्खर धेरै आएको, अब हाम्रो विशेषज्ञ डक्टर खाडी आउनेवाला छ र हामीहरू तपाईँले रेगुलर जानकारी दिनेछु, तर यो मुहूर्तमा यो लिएर कुनै डरको बात मैले देखिनँ, प्यानिक गर्ने कुनै दरकार देखिनँ, तर के हुँदै जान्छ हामीहरू तपाईँलाई जानकारी दिँदै जान्छु। दार्जिलिङमै कोरोना भाइरस पीडित मरिज के भर्ती हुने कि फैलाइ गई अफवाह, पुलिस और अस्पताल प्रबन्धन मामले को किया खारिज, कहा कोई भी कोरोना भाइरस पीडित या संदिग्ध मरीज दार्जिलिङ के किसी भी नर्सिंग होम में नहीं है भर्ती। दार्जिलिंग पुलिस के पास वॉइस मैसेज कर किसी ने शिकायत की कि नामी होटल का गार्ड कोरोना वायरस से संक्रमित होकर एक नामी नर्सिंग होम में भर्ती है। इसके बाद पुलिस ने इस मामले की जांच की और पुलिस ने पाया कि यह बात पूरी तरह से अफवाह है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। दूसरी तरफ अस्पताल प्रबंधन की तरफ से भी इस मामले में स्पष्टीकरण दिया गया है और कहा गया है कि दार्जिलिंग एरिया में अभी तक कोई भी कोरोना वायरस का मामला सामने नहीं आया है, इसलिए लोगों को अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। पुलिस ने भी अनुरोध किया कि लोग ऐसे अफवाहें ना फैलाएं जिससे कि लोग आतंकित हो। यस्तो प्रकारको कोरोना भाइरसको सिम्टम भएको कुनै पनि पेसेन्ट हाम्रो हस्पिटलमा अहिलेसम्म भर्ती गरिएको छैन। हेर्नुहोस्, हाम्रो त एउटा नर्सिङ होम हो, त यो कोरोना भाइरसको विषयमा जुन प्रकारको टेस्टहरू गरेर कोरोना भाइरस चाहिँ त्यसलाई कन्फर्म गर्न सकिन्छ त्यो प्रकारको फेसिलिटी हाम्रोमा छैन। यसले गर्दाखेरि यस्तो प्रकारको कुनै प्रकारको केस पनि आयो भने हामी त्यसलाई डिस्ट्रिक्ट हस्पिटलमा रेफर गरिदिन्छौँ। यो केसहरू कुनै अहिलेसम्म आएको छैन, यदि भविष्यमा आएको खण्डमा हामी डिस्ट्रिक्ट हस्पिटलमा रेफर गरिदिन्छौँ, किनभने उहाँहरूकोमा यो प्रकारको टेस्टहरू गर्ने अथवा कन्फर्म गर्ने फेसिलिटीहरू राम्रो छ। त्यसकारण हामी चाहिँ हाम्रोमा कुनै त्यस्तो प्रकारको केस आयो भनेदेखि हस्पिटलमा रेफर गरिदिन्छौँ। देखिए, ये सब जो है अभी फेक न्यूज है, इट्स अ टोटली र्युमर विच इज बिङ फॉरवर्डेड बाय सम मिसचीफ पीपल। तो इसको लेके हम लोग ने फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग का मेडिकल टीम आए हुए थे और यहाँ पे हम लोग का कोई स्टाफ को ऐसा कुछ ट्रेसेस कुछ मिला नहीं है। सो दिस इज लिटरली अ फेक न्यूज़ एंड आई रिक्वेस्ट द पीपल ऑफ द टाउन नॉट टू गो फॉर इट। जैसे कि हम लोग का यहाँ पे स्टाफ लोग का मेडिकल टेस्ट होता है, ठीक है, कोई भी रिलेटेड मतलब मंथली या ईयरली होता है, तो रिसेंटली भी हुआ है, इसमें कोई ऐसा कुछ ट्रेसेस वगैरह फाइंड नहीं हुआ। जैसे एक व्हाट्सएप क्लिप मैंने वॉइस क्लिप बहुत वायरल हो गया है कि उसमें एक लेडी ने बोल रही कि विंडरमेयर होटल का एक मैंने जो गार्ड को कोरोना वायरस होकर ऐसे युमा हॉस्पिटल में भर्ती हुआ। पहले ये कि ये पूरा फॉल्स है, ये इसमें एकदम पूरा झूठ है कि ऐसे ऐसा कुछ केस भी नहीं हुआ। और कल हम लोग का ऑनरेबल प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर जीटीए बोले थे, मैंने
हम लोग डार्लिंग में कोरोना है कि नहीं ऐसे हम लोग कंफर्म नहीं कर सकते। वो मैंने जब नाइसेट बोलकर कलकत्ता में एक इंस्टीट्यूट है उधर से जब कंफर्मेशन आएगा तभी हम लोग बोल सकते हैं किसी को कोरोना है कि। पहले चीज़ है कि ऐसे एक पेशेंट युमा हॉस्पिटल में भर्ती नहीं हुआ, वो हम लोग चेक किया। ये पूरा पैनिक स्प्रेड करने का किसी का आइडिया है। तो मेरा रिक्वेस्ट ये है कि ऐसे जनरल पब्लिक को ऐसा रूमर्स में मत बिलीव कर लीजिएगा। ऐसे डाली में अभी तक कुछ केस नहीं, कुछ कोरोना रिपोर्ट मैंने रिपोर्ट किया है, और रिपोर्ट करेगा तो भी ऐसे हम लोग पूरा प्रिपेयर्ड हैं, किसी को कुछ दिक्कत नहीं होगा, वी आर फुल्ली प्रिपेयर्ड। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से एक परित्यक्त कमरे में काफी संख्या में ताजा बम बरामद किए जाने की घटना को लेकर पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। मालदा के कालाचक थाने के मजमपुर अंचल के नारायणपुर इलाके में गुरुवार सुबह इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। कालाचक थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर बम को अपने कब्जे में लेकर उन्हें निष्क्रिय करने में जुटी हुई है। जानकारी के अनुसार बृहस्पतिवार सुबह नारायणपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के परित्यक्त कमरे में बमों से भर्ती 5,000 बरामद किया गया। घटना के प्रकाश में आने के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। तत्काल इसकी खबर कालियाचक थाने की पुलिस को दे दी गई। स्वास्थ्य केंद्र में बम मिलने की खबर मिलते ही पुलिस आनन फानन में दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर पूरे इलाके को घेर लिया गया। पुलिस ने स्वास्थ्य केंद्र के उस परित्यक्त घर से 5,000 ताजा बम बरामद किया। इनमें 2,000 प्लास्टिक बम व 3,000 सुतली बम शामिल है। पुलिस ने बताया कि बरामद किए गए बमों को निष्क्रिय करने के लिए बम स्क्वाड दस्ते को खबर दी गई। इस बात का पता लगा रहे हैं कि आखिरकार इतने बड़े पैमाने में स्वास्थ्य केंद्र में बम क्यों रखे गए थे और आगे इसका मकसद क्या था। दूसरी ओर स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारी आफताबुद्दीन मियां ने बताया कि इतने बड़े पैमाने में वहां बम रखे गए इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य केंद्र का वह कमरा वर्षों से परित्यक्त अवस्था में है। पुलिस घटना की जाँच शुरू कर दी है। फिलहाल हम ले रहे हैं छोटा सा ब्रेक, आप बन रही है एसके लाइव के साथ। अगर आप है खाने के शौकीन या आपको चाहिए केटरर तो संपर्क करें शिव मंदिर स्थित सिलीगुड़ी न्यू अर्चलन रेस्टोरेंट एवं केटरर्स। लजीज खाने की है ख्वाहिश तो रेस्टोरेंट में आइए या घर में ही मंगवाइए। रेस्टोरेंट में एक नाम सिलीगुड़ी न्यू अर्चलन, JR कमर्शियल शिव मंदिर, कदम तल्ला माटीगारा सिलीगुड़ी, सालबारी सुकना, ऑपोजिट यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। डायल करिए 9002299606 अथवा 8695149676। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, बढ़ते हैं खबरों की तरफ। COVID-19 यानी कोरोना वायरस को लेकर देश की सरकार के द्वारा विभिन्न राज्यों से लेकर क्षेत्रों में सतर्कता बरतने एवं लोगों को इस वायरस से संबंधित विषय पर जागरूकता लाने की मुहिम लगातार की जा रही है। इसी क्रम में आज गोरखा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा की सामाजिक सेवा अभियान के तहत गोरमो दार्जिलिंग टाउन कमेटी के द्वारा कोरोना वायरस के संबंध में जनता को जागरूक करने हेतु आज दार्जिलिंग शहर में रहे 5 सिंडिकेटों में सभी गाड़ी चालकों को मास्क एवं लिफ्टलेट वितरण किया गया। आज के इस जागरूकता मूलक अभियान कार्यक्रम में गोरमो दार्जिलिंग टाउन कमेटी के संपूर्ण प्रतिनिधियों एवं सदस्यों की उपस्थिति रही। विश्वभरि कोरोना वायरस एकदम महामारी को स्थिति में पूरा गुजरिरहेछ, तर हामी अहिले दार्जिलिङ चाहिँ अछुत छौं। भगवान्लाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ कि अहिलेसम्म दार्जिलिङमा कोरोना भाइरसको केस चाहिँ आएको छैन, तर हामी आज दार्जिलिङ टाउन कमिटी अवेरनेसमा उत्रिएको छौँ। मास्क लगाइदिँदैछौँ अनि हामीले मसिनो लिफलेट बाँड्दैछौँ। तर यो कार्यक्रम चाहिँ हामी आज हाम्रो दार्जिलिङको ड्राइभर दाजुभाइहरूलाई दिँदैछौँ, कारण पहिलो जति पनि टुरिस्टहरू आउँछ उहाँहरू हो पहिलो भेटघाट गर्ने र उहाँहरूले नै क्यारी गरेर लिएर आउनुहुन्छ दार्जिलिङ। सो हामी टुर चाहन्छौँ कि ड्राइभर दाजुभाइहरू अवेरनेस होस्, हाम्रो एकैजना दाजुभाइहरूलाई पनि यो कोरोना भाइरस नलागोस्, ताकि उहाँको माध्यमद्वारा उहाँको फ्यामिली अनि दार्जिलिङमा यो कोरोना भाइरस नफिजोस् भन्ने हामी दार्जिलिङ GNLF टाउन कमिटी चाहन्छौँ। र त्यसले गर्दा आज हामी दार्जिलिङमा समस्त दार्जिलिङ GNLF टाउन कमिटी यो प्रत्येक यो क्लब साइडमा माथिल्लो क्लब साइड या साइडको क्लब साइड तल्लो क्लब साइड या कि 4-5 क्लब साइडको ड्राइभर दाजुभाइहरू यो डल्लै वरिपरि कमसेकम 200-250 हामी सबैजनालाई मास्क र यो लिफलेट बाँड्दैछौँ। लिफलेट चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई गाडीमा लगाइदिनुहोस् भनेर निवेदन गर्दैछौँ अनि हामीले यो बाँडेको मास्क चाहिँ उहाँहरूले लगाइदिनुहुनेछ। हामीले एउटै माध्यम खोजेको छौँ ड्राइभर दाजुभाइहरू जसले चाहिँ 10 पेसेन्जर उहाँबाट NGVबाट होस् या बागडोग्राबाट क्यारी गरेर लिएर आउनुहुन्छ, उहाँको माध्यमद्वारा उहाँले जब गाडीमा यो लिफलेट लाउनुहुन्छ र मास्क लाउनुहुन्छ तब टुरिस्टले अटोमेटिक बुझिहाल्छ कि यो ड्राइभर अवेरनेस छ भनेर। सो टुरिस्ट पनि अवेर हुन्छ।
जलपाईगुड़ी में कोलकाता हाईकोर्ट के सर्किट बेंच का एक साल हुआ पूरा, बार एसोसिएशन ने इस अवसर पर आयोजित किया विशेष कार्यक्रम। कोलकाता हाईकोर्ट के जलपाईगुड़ी स्थित सर्किट बेंच के एक साल पूरे होने के अवसर पर जलपाईगुड़ी में सर्किट बेंच बार एसोसिएशन की ओर से एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सर्किट बेंच बार एसोसिएशन के सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में अधिवक्ताओं के साथ कई न्यायाधीशों ने भी हिस्सा लिया। इस अवसर पर बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कमल कृष्ण बैनर्जी ने बताया कि वे लोग आज जलपाईगुड़ी हाईकोर्ट के सर्किट बेंच के एक साल पूरे होने के अवसर पर छोटे आकार में कार्यक्रम किए हैं। आने वाले दिनों में निश्चित रूप में इस विशेष अवसर को ध्यान में रखते हुए बड़े स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में जलपाईगुड़ी में कलकत्ता हाईकोर्ट का सर्किट बेंच स्थायी रूप से काम कर सके इसका प्रयास भी किया जाएगा। आज के थेके ठीक एक बछर आगे ही दिन जलपाईगुड़ी हाईकोर्टर सर्किट बेंचर काज शुरू हुए छे। आमरा से दिन माने आनंदे आप्लुत हुए छिलाम जे दीर्घ दिन आंदोलन सफल हलो। तार साथे साथे एकटा मिश्र शंकाओ छिलो जेखाने हाईकोर्ट होले पड़े আমরা ঠিকঠাক মতো চালিয়ে নিয়ে যেতে পারবো তো, কিন্তু আজকে আপনারা ছিলেন এখানে, জজ সাহেবরাও যে তাদের বক্তব্য রাখলেন তাতে ওনারা একথা বললেন যে কোর্টে বসে আমাদের মনে হচ্ছে না যে কি সাবমিশন কি পরিবেশ আমরা কলকাতা হাইকোর্ট ছাড়া অন্য কোনো জায়গায় বসে আছি। সেই দিক থেকে এটা আমাদের একটা সাফল্য এবং হাইকোর্ট বেঞ্চ হওয়ার ব্যাপারে দীর্ঘদিনের আন্দোলনে সাংবাদিক বন্ধুরাও যেভাবে সহায়তা করেছেন ইতিবাচকভাবে সেটাও কিন্তু আজকের দিনে আমাদের উল্লেখ করার মতো। মাটিগাড়া हर सुंदर उच्च माध्यमिक विद्यालय के सामने गुरुवार देर रात एक ट्रक चालक ने अपने ट्रक पर नियंत्रण खो दिया, जिसके कारण ट्रक एक दुकान में प्रवेश कर गई। अच्छी बात यह रही कि दुकान में उस समय कोई नहीं था, इसी कारण किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार ट्रक चालक के नींद लगने के कारण यह दुर्घटना घटी है। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के दिशा निर्देश अनुसार बस्ती इलाकों में रहने वाले लोगों को उनके जमीन के मालिकाना हक का कागजात दिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज सिरोही के 34 नंबर वार्ड और 35 नंबर वार्ड में राज्य के पर्यटन मंत्री गौतम देव ने लोगों के घर जाकर जमीन के पट्टे के कागजात उन्हें सुपुर्द किए। ममता बंदोपाध्याय राज्य माननीय मुख्यमंत्री यदि जिले जिले ब्लके ब्लके जेते पारे ताहले आमरा एमन किछु लाट साहेब ना जे मानुषेर बाड़ीते बाड़ीते जेते पारबो ना। मानुषई होच्छे देवता गणतंत्रे, তাদের শ্রদ্ধা জানিয়ে এই জমির দলিল হচ্ছে মায়ের পায়ের তলার মাটি, যেটা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আর আমাদের দলের মূল মন্ত্রই হচ্ছে মা মাটি মানুষ, সেই মাটির অধিকার মানুষকে দেওয়ার কাজ হচ্ছে খুব পুণ্য কাজ। এটা আজকে 34-35 দিলাম, এটা রিলিফের পাট্টা হচ্ছে এবং ডাবগ্রাম 2 দেব। সব জায়গাতেই এখন থেকে সিস্টেম করেছি, জায়গায় গিয়ে যখন হিউজ থাকে তখন দিতে সময় লাগে বাড়ি বাড়ি, যখন একটু সংখ্যায় কম তখন গিয়ে গিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি। 1000 ম্যাডাম সুফিয়া ম্যাডাম বললেন রিলিফের অফিসার যে ডাবগ্রাম ফুলবাড়িতে 1000 বেশি শুধু রিলিফ পাট্টা দেওয়া হয়েছে, যেটা রেকর্ড। বাংলায় খুব কম জায়গাতে 1000 পাট্টা রিলিফের দেওয়া হয়েছে নতুন করে, সেটা আমাদের ডাবগ্রাম ফুলবাড়িতে। আমরা কন্টিনিউ প্রসেসের মধ্যে আছি এবং এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সমস্ত স্লাম এলাকাগুলোকে। पूरे पश्चिम बंगाल में उच्च माध्यमिक परीक्षाएं शुरू हुई हैं एवं इसी को केंद्र कर अलीपुरद्वार में परीक्षार्थियों की मदद के लिए खोला गया हेल्प डेस्क। ट्रैफिक पुलिस के जवान परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने में कर रहे हैं उनकी मदद। पूरे राज्य के साथ साथ अलीपुरद्वार जिले में भी गुरुवार से उच्च माध्यमिक परीक्षा शुरू हो गई है। इस बीच सुबह से विभिन्न परीक्षा केंद्रों में परीक्षार्थियों के आने का सिलसिला शुरू हो गया था। दूसरी ओर परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने में किसी तरह की दिक्कत ना हो सके इसके लिए ट्रैफिक पुलिस की ओर से विशेष व्यवस्था की गई थी। ट्रैफिक पुलिस के जवान जगह जगह तैनात होकर परीक्षार्थियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने में मदद कर रहे थे। अलीपुरद्वार जिले के विभिन्न सुदूरवर्ती इलाके में विद्यार्थियों को परीक्षा केंद्रों तक पहुँचने में आने वाली बाधाओं के मद्देनजर सुदूरवर्ती इलाकों में 20 रूटों में पर्याप्त संख्या में सरकारी बसें चलाई जा रही है। इसके अलावा अलीपुरद्वार जिला पुलिस की ओर से विभिन्न इलाके में हेल्प डेस्क खोले गए हैं। यहाँ छात्रों को परीक्षा केंद्र से संबंधित पूरी जानकारी मुहैया कराई जा रही है। जो परीक्षार्थी
परीक्षा केंद्र के बारे में नहीं जानते व उनका सही पता नहीं जानते, उन्हें ट्रैफिक पुलिस के जवान परीक्षा केंद्र तक पहुंचा रहे हैं। हंसीमारा ट्रैफिक ओसी विजय डे ने बताया कि परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने में किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए ट्रैफिक पुलिस के जवान हमेशा मुस्तैद है। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक पुलिस के जवान छात्रों को हर संभव मदद कर रहे हैं। এখানে আজকে থেকে এইচএস এক্সাম আছে, যারা বাইরের থেকে ছাত্রছাত্রী আসছে তাদের হেল্প করার জন্য আমরা তৎপর। যারা রাস্তাঘাট চেনে না কিংবা গাড়ির সমস্যায় পড়ছে তাদেরকে আমরা হেল্প করেছি। যতদিন এই পরীক্ষা চলবে ততদিন আমাদের পরিচয় পত্র দেবে। उच्च माध्यमिक परीक्षार्थियों की मदद के लिए हर संभव हर संस्थाएं कर रही हैं। इसी क्रम में तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद भी पीछे नहीं है। चूंकि आज से उच्च माध्यमिक की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं, इसीलिए तृणमूल छात्र परिषद की ओर से सूर्यसेन महाविद्यालय के बाहर परीक्षार्थियों को पानी का बोतल और कलम प्रदान किया गया। साथ ही सिरोही तराई तारापद हाईस्कूल के सामने भी तृणमूल छात्र परिषद के नेता गोपाल सरकार और उपस्थित सदस्यों ने परीक्षार्थियों को पानी का बोतल आदि सामग्री प्रदान किया। तृणमूल छात्र परिषद की ओर से कहा गया कि वे विद्यार्थियों के साथ आगे भी रहेंगे। उच्च माध्यमिक परीक्षा के दौरान विद्यार्थियों को हर संभव मदद छात्र परिषद की ओर से मुहैया कराई जाएगी। कालियागंज में भी उच्च माध्यमिक परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से हुई सम्पन्न। नगर पालिका ने परीक्षार्थियों में बांटे कलम पेंसिल समेत अन्य शिक्षण सामग्रियां। আমরা পৌরসভার উদ্যোগে যারা উচ্চ মাধ্যমিক দিচ্ছেন তাদের স্কুল জীবনের শেষ পরীক্ষায় আমরা তাদেরকে একটা শুভেচ্ছা বার্তা সহ তাদের সাফল্য কামনা আমরা পৌরসভার পক্ষ থেকে আমরা তাদেরকে আমরা যেরকম মাধ্যমিকেও দিয়েছিলাম একটা স্কেল ছিল, একটা রাবার ছিল, একটা রুল ছিল, তার সাথে একটা চকলেট দিয়েছি। এটা শুধু তাদেরকে দেওয়া না, তাদেরকে উৎসাহিত করা, অনুপ্রাণিত করা পরীক্ষা যাতে তাদের সফল। ওই শুভেচ্ছা হচ্ছে। আমি একজন অভিভাবক হিসাবে আমার মেয়ে পরীক্ষার্থী, কালিয়াগঞ্জ শহর আসনের উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রী, তার সেন্টার পড়েছে কালিয়াগঞ্জ দিনদেবী উচ্চ বিদ্যালয়ে। অভিভাবক হিসাবেই মেয়েকে দিতে এখানে এসেছি। এখানে এসে দেখলাম কালিয়াগঞ্জ পৌরসভার পৌরপতির উদ্যোগে একটা শুভেচ্ছা বার্তা এবং কিস দেওয়া হয়েছে। এটা একটা নতুনত্ব এবং আমি মনে করি ছাত্রদের মধ্যে এর একটা ভালো প্রভাব পড়বে এবং তারা খুব খুশি এবং আনন্দিত। না, এটা খুবই প্রশংসনীয় উদ্যোগ। এরকম উদ্যোগ বিগত দিনে আমরা দেখিনি। এইভাবে অভিভাবক এবং স্টুডেন্টদের ঘরে ঢুকানো, অর্থাৎ স্কুলে বসিয়ে দেওয়া বা তাদের রুম নাম্বার বলে দেওয়া, এই যে সাহায্য করা বা হেল্প করা যাকে বলে, এটা সত্যি প্রশংসনীয় যোগ্য। अब तक इतना ही। इस तरह की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप लगातार बने रहिए एसके लाइव के साथ। धन्यवाद। कह देती हूँ सभी को इन एडवांस, चाचू की शादी में करूंगी डांस, वीडियो को एफबी में वायरल करूंगी, डब्बू के जैसे सेलिब्रिटी बनूंगी, न्यूज चैनल की होगी हेडलाइन, मान भी बन गई स्टार ऑनलाइन। क्या आपको भी सेलिब्रिटी बनना है? शादी हो या कोई फंक्शन, वीडियोग्राफी फोटोग्राफी के लिए चले आइए सोमानी डिजिविजन एंड प्रोडक्शंस, आश्रम पाड़ा, रामकृष्ण रोड, सिलीगुड़ी। के तपाई एक नागरिक संवाददाता बन्न चाहनुहुन्छ? हजुर, एसके लाइभ 24 घंटा न्यूज चैनल द्वारा यहाँहरु समक्ष एउटा सुनौलो मौका प्रदान गरिरहेका छौं। यहाँहरुले आफ्नो क्षेत्रमा घटेका घटनाहरुको भिडियो आफ्नो मोबाइल द्वारा कैद गरी घटनाको पुख्त विवरणको साथमा हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ। यहाँहरुमध्ये कुनै एकजना उत्कृष्ट समाचार तथा भिडियोको चयन गरी हामी यहाँहरुलाई सिलगढी कार्यालयमा निम्ताई नागरिक सम्बद्धताको आइडी कार्ड, सम्बर्द्धना अनि अन्तर्वार्ता लिने जमर्को गरेका छौँ। यसैले यस सुनौलो मौकालाई यहाँले नगुमाउनुहोस्। चाँडै नै यस्ता विविध समाचारहरू हामी समक्ष पठाउनुहोस्। एसके लाइभ व्हाट्सएप नम्बर 7432944774।